नमस्कार व्यूअर्स, स्वागत है आपका इंडिया फ्रेश टोस्ट के यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करेंगे एक और फ्रूट की, जो कि है कस्टर्ड एप्पल, जिसको हिंदी में सीताफल या शरीफा भी कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहले बात करते हैं कि कस्टर्ड एप्पल यानी कि सीताफल हमारे यहाँ इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो अगर हम टॉप 5 इंडियन स्टेट्स की बात करें जहाँ पे कस्टर्ड एप्पल का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है, तो सबसे पहले स्थान पे आता है महाराष्ट्र, जहाँ पे कि टोटल प्रोडक्शन का 31.20% प्रोडक्शन किया जाता है। दूसरे स्थान पे है मध्य प्रदेश, जहाँ पे कि लगभग 22% प्रोडक्शन किया जाता है। गुजरात तीसरे स्थान पे, जहाँ पे लगभग 19% प्रोडक्शन होता है कस्टर्ड एप्पल्स का। देन छत्तीसगढ़ आता है चौथे स्थान पे, जहाँ पे 13.81% प्रोडक्शन होता है। और पांचवें स्थान पे आता है आंध्र प्रदेश, जहाँ पे कि लगभग 4.52% प्रोडक्शन किया जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो तेलंगाना, कर्नाटका, उड़ीसा, राजस्थान और तमिलनाडु में भी कस्टर्ड एप्पल की खेती की जाती है। चलिए अब बात करते हैं एक सीताफल जिसका वेट लगभग अगर 100 ग्राम है तो उसमें उसकी न्यूट्रिशन वैल्यूज क्या होती हैं। तो अगर हम बात करें तो इसमें लगभग ये हमें 101 कैलोरीज देता है। इसमें 25.3 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स होता है, तो हम देख सकते हैं कि इसका कार्बोहाइड्रेट इनटेक कितना ज़्यादा है। तो ये हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। इसमें 2.5 ग्राम फाइबर होता है, जो भी काफ़ी अच्छा फाइबर कंटेंट है। फैट होता है इसमें 0.7 ग्राम, प्रोटीन होता है 1.7 ग्राम और विटामिन सी होता है 19.2 mg, जो कि लगभग हमारी डेली रिक्वायरमेंट का ऑलमोस्ट 30% पूरा करता है। इसके अलावा इसमें विटामिन बी के भी कई सारे वेरिएंट होते हैं, जैसे कि थियामिन यह हमारी 5% डेली रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, राइबोफ्लाविन जो कि 6% डेली रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, विटामिन B6 ये हमारी विटामिन B6 की डेली रिक्वायरमेंट का 11% को फुलफिल कर सकता है। इसके अलावा ये कुछ और मिनरल्स में भी रिच होता है, जैसे कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम। तो इसे हमने देखा कि कस्टर्ड एप्पल जो है वो कई सारे न्यूट्रिएंट्स में रिच होता है। चलिए हम बात करते हैं आगे इसके बेनिफिट्स के बारे में। तो अगर हम पहले बेनिफिट के बारे में बात करें तो क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट्स में काफ़ी रिच होता है, इसमें कॉरिनोइक एसिड और कई सारे फ्लेवोनॉइड्स, कैरोटीनॉइड्स, विटामिन सी ये सारे होते हैं, और इसकी वजह से ये हमारी बॉडी को फ्री रेडिकल्स से बचाता है। और हमारे फ्री रेडिकल्स की वजह से क्या होता है, हमें कई सारे क्रोनिक डिसीज होने का खतरा रहता है, जैसे कि हार्ट से रिलेटेड कोई डिसीज हो सकती है, कैंसर डिसीजेज हो सकती है। तो इस वजह से ये हमारी बॉडी को इन सब से काफ़ी प्रोटेक्ट करता है। आगे क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है, तो ये हमारे लिए इम्यूनिटी बूस्टर की तरह भी काम करता है और हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से काफ़ी प्रोटेक्ट करता है। दूसरा अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारे आईज़ के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। इसमें कैरोटीनॉइड एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि ल्यूटिन, तो इससे वजह से हमारी आईज़ के लिए काफ़ी अच्छा होता है और ये हमारी आईज़ को कैटरेक्ट्स यानी कि मोतियाबिंद जो है उससे बचाता है या उसके अपीयरेंस को काफ़ी डिले करता है, या क्लाउडिंग ऑफ आई, क्लाउडिंग ऑफ आई मतलब आँखों के ऊपर एक परत सी बन जाती है जिसकी वजह से थायराइड ऑक्सीन और जो न्यूरोट्रांसमिटर्स होते हैं विजन ऑफ लॉस हो जाता है, डोपामाइन जो वो हमारी बॉडी में विटामिन बी सिक्स क्या करता है, रेगुलेट करके चली जाए। और ये जो वजह से आईज़ के लिए ट्रांसमिटर्स हैं जैसे कि लोगों को मूड खराब हो जाता है या डिप्रेशन में चले जाते हैं, इस तरीके की जो चीजें होती है उनको ये दोनों चीजें जो है वो रेगुलेट करती है। तो अगर आप किसी को विटामिन B6 का अगर डिफिशियंसी है तो हो सकता है कि उसको मूड डिसऑर्डर्स हो या डिप्रेशन होने की संभावना उसमें बढ़ जाए। तो इसकी वजह से ये हमारी बॉडी में जो कस्टर्ड एप्पल होता है, क्योंकि ये विटामिन B6 में भी रिच होता है, 11% हमारे डेली इंटेक को पूरा करता है, तो हमारी बॉडी में एक मूड फ्रेशनर या मूड रिफ्रेशर की तरह भी काम करता है। और आगे इसके फायदे देखें तो ये हमारे हाई ब्लड प्रेशर को भी काफ़ी कंट्रोल करता है, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम और पोटेशियम दोनों में ही ये रिच होता है। पोटेशियम हमने पहले भी बात की कि हमारी बॉडी में सॉल्ट का जो अमाउंट होता है उसको रेगुलेट करता है, एक्स्ट्रा सॉल्ट को बाहर निकालता है। तो इसकी वजह से ये हमारी जो बॉडी है उसमें ब्लड प्रेशर को काफ़ी कंट्रोल में रखता है, और इस वजह से ये हमारे जो हाई ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट होते हैं उनके लिए भी ये काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। अब क्योंकि विटामिन सी में काफ़ी रिच होता है, तो इसकी वजह से ये हमारी इम्यूनिटी को तो बूस्ट करता ही है, इसके साथ साथ हमारे स्किन को भी काफ़ी हेल्दी रखता है। और आगे हम बात करें इसके फायदों की, तो इसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज भी हो सकती हैं, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट्स में रिच होता है, जैसे कि कैटेसिन, एपिसाइटोसिन,
एंड एपिगेलोकैटेसिन, तो ये सारे जो एंटीऑक्सीडेंट्स है ये हमारी बॉडी में कैंसर सेल्स की जो ग्रोथ होती है उसको काफी हद तक कम करते हैं। और ऐसा स्टडीज में पाया गया है कि ब्लैडर का कैंसर हो या ब्रेस्ट कैंसर हो तो उसमें कैटेसिन्स जो हैं वो काफी हेल्पफुल पाए गए हैं। तो क्योंकि ये जो कस्टर्ड एप्पल है, सीताफल है, ये इन सारे एंटीऑक्सीडेंट्स में रिच होता है तो इसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज भी हो सकती है। और आगे हम इसके फायदों की बात करें तो क्योंकि हमने देखा था कि इसमें 2.5 ग्राम फाइबर होता है जो कि काफ़ी हाई फाइबर कंटेंट है, तो ये हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छे हैं। और ये क्या करता है, हमारी बॉडी में जो अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं उनको उनकी ग्रोथ को काफ़ी मोटिवेट करता है या उनको हेल्प करता है। तो इसकी वजह से हमको जो लोगों को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है या कई बार लोगों को स्टमक अल्सर्स हो जाते हैं, पेट में छाले हो जाते हैं, तो इन सारी है, और भी किसी तरीके का अगर इन्फ्लेमेशन है अंदर पेट में, तो उसके लिए भी ये काफ़ी फायदेमंद पाया गया है। क्योंकि जो ये कस्टर्ड एप्पल है वो मैग्नीशियम में रिच है और इसमें विटामिन के भी काफ़ी रेसिपीज पाए जाते हैं, तो इसकी वजह से हमारी बोन्स के लिए काफ़ी अच्छा होता है। और जो भी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, जैसे लोगों को अगर अर्थराइटिस है, इसका किसी का दिक्कत है, तो उसके लिए भी ये थोड़ा फायदेमंद पाया गया है। अब दूसरा जो हम बात करें, क्योंकि कस्टर्ड एप्पल जो है वो आयरन का भी सोर्स है, हमने देखा था कि इसमें आयरन भी पाया जाता है, तो इसकी वजह से हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल की जो प्रोडक्शन है उसको काफ़ी एनकरेज करता है। और इसकी वजह से एनीमिया जो कंडीशन होती है जिसमें हमारी बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उसके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद पाया गया है। तो दोस्तों ये तो बात हो गई सारे बेनिफिट्स के बारे में, तो हम देखते हैं कि क्या इसके कोई हानिकारक प्रभाव भी है या आपको किसी तरीके की सावधानी की और जानकारी की ध्यान रखना है इसके साथ। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें जो कस्टर्ड एप्पल होता है उसमें एनोनासिन करके एक टॉक्सिन होता है जो कि हमारी ब्रेन या नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर सकता है। ये हालांकि इसके स्किन और सीड्स में सबसे ज़्यादा होता है, जो अंदर का इसका पल्प होता है उसमें कम होता है, लेकिन कई बार हमने ध्यान नहीं दिया या उसको भी कंज्यूम कर लिया, तो ये जो टॉक्सिन है ये हमारी ब्रेन और नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। तो कस्टर्ड एप्पल खाते समय हमें ये ध्यान रखना है कि आपको उसकी स्किन और उसका जो बीज है वो गलती से भी नहीं खाना है। अब अगर हम बात करें कि अगर किसी ने खा लिया, तो अगर किसी नॉर्मल इंसान ने खा लिया तब तो ठीक है, लेकिन अगर किसी ने ऑलरेडी जिसको ब्रेन से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर है, जैसे पार्किंसंस या और कोई नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर है, तो और अगर उसने कस्टर्ड एप्पल खाया और उसके साथ उसका बीज भी खा लिया या उसकी स्किन खा ली किसी तरीके से, तो वो उनकी जो कंडीशन है उसको और भी ख़राब कर सकता है। तो इसकी वजह से अगर कोई ये न्यूरल डिसऑर्डर्स वाले अगर कोई पर्सन है जिनको कि इस तरीके की दिक्कत है, तो वो कस्टर्ड एप्पल का जो सेवन है वो ना करें या बहुत ही सावधानी के साथ करें, अदरवाइज उनकी जो कंडीशन है वो हो सकता है और भी बिगड़ जाए। तो ये सावधानियों का आपको ध्यान रखना है व्यूअर्स। बाकी तो कस्टर्ड एप्पल के हमने फायदे देखे हैं कि कितना फायदेमंद है। तो आज की वीडियो में इतना ही बात करेंगे। थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस।